नवरात्रि में माता रानी के अखंड ज्योत की महत्वता सबसे ज्यादा कही गई है। भक्तजन नवरात्रि में या किसी विशेष कामना की सिद्धि से अन्य दिनों भी अखंड ज्योत प्रज्वलित करते हैं। इस वीडियो में जानेंगे सुबह और दोपहरी का क्या मुहूर्त है अखंड ज्योत घट स्थापना कलश स्थापना का, साथ ही यह जानेंगे कि अखंड ज्योत अगर जला रहे हैं तो इसके नियम विधान संपूर्ण रूप से क्या है, अगर किसी कारण से अखंड ज्योत जला रखी है तो मासिक धर्म आ जाए या अखंड ज्योत कहीं खंडित हो जाए अर्थात बुझ जाए तो इसका क्या आपको प्रयत्न करना चाहिए, क्या समाधान है, संपूर्ण नियम अखंड ज्योत लगाने के इस वीडियो में आपको प्राप्त होंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि कलश स्थापना के समय ही आप सभी जो है अखंड ज्योत जलाएं, अखंड ज्योत जो है सबसे महत्वपूर्ण माता रानी की मनोकामना पूर्ति में सहायक होती है। 9 दिन तक लगातार अखंड ज्योत जलती है तो ऐसे में आप सभी नियम विधान जरूर से जान लीजिए। सबसे पहले जो भी अखंड ज्योत आप लगा रहे हैं ना, उसे सबसे पहले आप सभी सवा हाथ की या तो मौली से बना ले या किसी जो है बाजार में कच्चा सूत मिलता है उससे बनाए। अब अगर आप लाल कलावा की बना रहे हैं तो सवा हाथ की यह हो और पूर्ण रूप से इसे अपने हाथों की मदद से बांट लीजिए, अर्थात पूर्ण रूप से इसे जो कहते हैं ना हमारे यहाँ बांटना कहते हैं, जैसे कि बना लीजिए जिसके पश्चात यह पूर्ण रूप से जल जाए। कलावा ऐसा लीजिएगा जिससे कि आप सभी को जो लाइलॉन ना हो, प्योर कॉटन होना चाहिए, चाहें तो रुई से भी बना सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप सभी इस वर्ष घट स्थापना अर्थात अखंड ज्योत जलाने का शुभ मुहूर्त भी जरूर से जान लीजिए। अखंड ज्योत जलाने का अर्थात घट स्थापना का सुबह कलश स्थापना की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:30 से 8:47 के आसपास, स्क्रीन पर भी लिखा है। साथ ही अगर सुबह सुबह आप कर लेते हैं तो उत्तम है, नहीं तो दोपहरी में अर्थात अभिजीत मुहूर्त जो कि सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है, वह दोपहरी में 11:48 से 12:36 के आसपास हो रहा है। तो इस समय आप सभी माता रानी को घर पर विराजमान कर लीजिए। घट स्थापना कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योत अगर लगा रहे हैं तो अत्यधिक शुभ है। देखिए, सबसे पहले आप अपने नियमबद्ध करबद्ध तरीके से कार्य करें कि नियम होता है अखंड ज्योत लगाने का कि अखंड ज्योत को जो है नियम पूर्वक लगातार 9 दिन तक जलनी चाहिए। अखंड ज्योत को अकेले नहीं छोड़ा जाता, दरवाजा कहने का अर्थ है अखंड ज्योत को घर पर अकेला नहीं छोड़ा जाता, अर्थात आप दरवाजे बंद कर कहीं चले जाएँ ऐसा नहीं है। बहुत इमरजेंसी है तो किसी अन्य व्यक्ति को आप घर पर रख कर वह अखंड ज्योत की संभाल कर सके तभी जो है आप घर से जा सकते हैं। अखंड ज्योत में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि मासिक धर्म इत्यादि का कोई भी जो है व्यक्ति घर पर ना हो, अर्थात साफ स्वच्छता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है और साथ ही स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर हाथ पैर कुल्ला इत्यादि करने के पश्चात ही अखंड दीप को स्पर्श करें जब आप इसमें घी इत्यादि लगाएं, ठीक है। यहाँ तक की बात हो गई। इसके साथ ही अखंड दीप लगा रहे हैं तो सबसे पहले माता रानी के कहाँ लगानी चाहिए यह सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। अखंड दीप अगर आप घी का लगा रहे हैं तो माता रानी के दाहिने हाथ की ओर लगेगा, ठीक है। अगर आप तेल का लगा रहे हैं, तिल्ली का तेल का लगा रहे हैं, या कई भक्तजनों की क्षमता नहीं हो पाती है तो सरसों के तेल का भी लगाते हैं, हालांकि तिल्ली का तेल या घी का तेल ही घी जो है माता रानी की अखंड ज्योत में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, तो प्रयत्न करें उसी का लगाएं। तो घी का दीपक माता रानी के दाहिने और तेल का दीपक माता रानी के बाएं ओर होना चाहिए। अब जब भी आप माता रानी के समक्ष दीप लगाएं, अगर दाएं बाएं का आपको ऐसा आभास नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, जगह का अभाव है या कोई भी परिस्थिति विपरीत है, तो आप सभी क्या करें कि सामान्य सरल तरीके से माता रानी के ठीक सामने लगा दीजिएगा। अब इसका मुख कहाँ को होना चाहिए, इसका मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर आपको दीपक का रखना है, ठीक है। अब आप सभी प्रयत्न करें कभी भी दक्षिण का मुख न हो, यह बहुत अशुभ के रूप में जाना जाता है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही होना चाहिए। इसके साथ ही आप सभी इस बात का भी ध्यान रखें, चावल अर्थात आप अखंड ज्योत जो भी लगा रहे हैं उसके नीचे एक कटोरे में भरकर, जैसा मैंने आपको दिखाने का प्रयत्न किया है इस वीडियो में, इस तरह से कोई प्लेट, कोई चावल की जो कटोरी इत्यादि है उसे रखकर ही आप सभी जो है अपने पूजा विधान को संपन्न करें, दीप प्रज्वलित करें। चाहें तो इसके नीचे आप अष्टदल कमल बनाएं, चाहें तो स्वास्तिक बनाएं, तभी जो है ज़्यादा सुप्ता के रूप में इसे जाना जाता है, जैसा स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इस तरह से अपने अखंड ज्योत को लगाने का प्रयत्न करें। माता रानी के नाम मंत्रों का स्मरण करते हुए, उच्चारण करते हुए आप सभी दीपक ठीक माता रानी के सामने लगा सकते हैं।
इसके साथ ही आप सभी बीच में अगर अखंड ज्योत कहीं आप संभाल रहे हैं बुझ जाए, या जो है यह कहीं किसी कारण से कोई चूहा इत्यादि गिरा दे, या कोई भी समस्या हो, तो आप क्या करें? तो ऐसे में आप सभी को क्या करना चाहिए कि जैसे ही आपको लगे कि इसकी बाती कहीं खराब सी हो गई है, कहीं बुझ गई है, कालिक सी लग गई है, तो आप सभी को इसके स्थान पर जैसे आपको लग रहा है या बंद हो रही है या किसी तरह से बुझ रही है, तो उससे पहले ही थोड़ा सा एक छोटा सा दीपक इस प्रतीकात्मक रूप से अखंड रूप के प्रतीक के रूप में वहाँ पर आपको पहले ही दूसरे स्थान पर रख देना है। फिर आप सभी को जो है अखंड दीप को पूर्ण रूप से संभालना है, फिर कोई अखंड दीप जो है खंडित नहीं होगी, कोई भी इसका दोष आपको नहीं लगेगा। तो इन नियमों के साथ आप सभी अखंड दीप अगर कहीं बीच में खंडित हो जाए तो इस तरह से उस स्थान पर प्रतीकात्मक एक दीपक रख दें, कोई आपको दोष नहीं लगेगा। आप जो है अखंड दीप का मतलब कहने का अर्थ है कि आपका दीपक खंडित नहीं है, यह अखंड दीप के रूप में प्रज्वलित है। अष्टदल कमल जैसा स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं, इसके ऊपर भी आसन रख सकते हैं, नहीं तो स्वास्तिक सबसे शुभ माना जाता है वह बना लीजिए, और इस तरह से अपनी पूजा का विधान आप करें। अत्यधिक शुभ माना जाता है अखंड दीप लगाना, यह मनोकामना सिद्धि में सहायक रहता है। और इस बात का ध्यान रखें कि अखंड दीप लगा रहे हैं तो दीपक से दीपक प्रज्वलित ना करें, अखंड दीप को बार बार हिलाया डुलाया नहीं जाता, एक ही स्थान पर इसे रखा जाता है। अगर अखंड दीप की जो दूसरी वाली बत्ती आती है उसके ऊपर आप सभी कोई स्टील का या कोई कांच इत्यादि का जो है ढांकने के लिए वो उसका कवर जरूर से करें, ताकि यह बुझिए ना, खंडित ना हो, साफ स्वच्छता के साथ बिना मिलावट रहित आप सभी जो है चीज़ों का इस्तेमाल माता रानी की पूजा में करें, तभी आपके अखंड दीप जो है परिपूर्ण होगी। दीपक में कई तरह की मान्यताएँ भी जुड़ी हुई हैं। अखंड दीप में स्वयं माता रानी साक्षात स्वरूप के रूप में वास करती है, शास्त्र वर्णन कहता है। तो प्रयत्न करें इस साल अखंड दीपक आप भी जलाएं और इस विधि से जलाएं, और जब भी माता रानी को आप इस अखंड दीप को छूने जा रही हैं तो हाथ इत्यादि जरूर से धो लें। अगर मासिक धर्म इत्यादि आ जाए तो आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि आप सभी इन चीज़ों को स्पर्श अर्थात अखंड दीप स्पर्श नहीं करेंगे। घर पर पंडित जी इत्यादि से पहले ही आप प्रबंध कर लें कि मासिक धर्म, अगर ऐसा लगे कि अखंड दीप आने वाला है अर्थात मासिक धर्म होगा और अखंड दीप आप पहले सूतक पातक की स्थिति हो रही है तो अखंड दीप ना लगाएं। पहले ही चीज़ों को जो है आपको लगता है कि कहीं मुझे जाना पड़ जाएगा तो ना लगाएं। अगर ऐसा हो कि कहीं अचानक से कोई मासिक धर्म सूतक पातक की स्थिति हो गई है तो पंडित जी इत्यादि को बुलाकर आप सभी इसे पूर्ण रूप से संभालने के लिए कह सकते हैं, अपने पड़ोस में देवरानी जेठानी आपको मासिक धर्म हो गया है, आपके बच्चे इत्यादि इसे संभालें। ठीक है, इस तरह से यह जानकारी थी आप सभी को मैंने देने का प्रयत्न किया। संपूर्ण भाव से नियम से अखंड दीप लगाएं, माता रानी आपको पूर्ण रूप से इसका फल देंगी। नियमबद्ध तरीके से माता रानी को नाम मंत्रों का जाप करते हुए, सरल मंत्र का जाप करते हुए प्रयत्न करें, मां को आवाहित करें और भूल चूक के लिए माता रानी से क्षमा मांगें। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूरतमंद के साथ इसे शेयर करें। हर हर महा